जैन सर बढ़िया सर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही सिंपल सादे लेकिन एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग के अंदर, क्योंकि आज का व्लॉग इंडिपेंडेंस डे के अराउंड होने वाला है और हमारे एयरपोर्ट पे कुछ फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। वैसे बात चल रही है मेरी CSO सर के साथ, वही इस शो को होस्ट भी कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे बात करी थी तो हो सके तो वो मुझे एज अ फिलर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे अभी किसी को पता नहीं है कि मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर उनको थोड़ा सा भी टाइम गैप मिला तो बीच में वो मुझे फिट कर देंगे, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या परफॉर्म करा था यहाँ पे। अभी सुबह सुबह 4 बजे का टाइम हो रहा है, सभी कलीग्स अपने घर से ऑफिस के लिए आ रहे हैं। मेरी आज लगी है BMA, जिस बात कर रहा था वही हुआ, और BMA को हम प्यार से पाता लोग भी बोलते हैं क्योंकि नीचे जाना पड़ता है ऑब्वियसली। और सुबह सुबह आज स्पेशल, कुछ ज़्यादा स्पेशल हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं ना बाइक पे, हम जब जा रहे होते हैं या गाड़ी में जा रहे होते हैं, जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो भौंकते हैं, लेकिन आज जैसे ही आप गाड़ी रोकते हो तो कुत्ते भी रुक जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो आज सुबह सुबह 3 कुत्ते पीछे पड़ गए मेरे। अब कुत्ते की जगह हम यहाँ पे डॉग इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे। तो 3 डॉग्स मेरे पीछे पड़ गए सुबह सुबह, और जैसे मैंने अपनी गाड़ी रोकी मेरे को लगा कि पीछे मुड़ जाएंगे, 2 डॉग्स तो मुड़ गए पीछे, और अब जो बचा 1 डॉग, उस 1 डॉग ने सर ने काट लिया यार, बड़ी ज़ोर से काटा उसने, मैं आपको दिखाऊँगा। लेफ्ट लेग पे काट लिया उसने मेरे को। अब देखते हैं, अगर इस पर रेबीज़ का हुआ तो रेबीज़ का टीका लगवा लेंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं हुआ तो रहन देंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने कहाँ काटा। ये दिख रहा है आपको हल्का सा, क्योंकि मैंने जीन्स पहनी हुई थी तो हल्का सा बचाव हो गया है, लेकिन दांत उनके इतने नुकीले होते हैं कि वो अंदर तक चले गए थे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बचाव हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। तो मॉर्निंग फ्लाइट की सारी एलोकेशन करने के बाद थोड़ी सुस्ती सी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि 10 से 15 मिनट का पावर नैप ले लिया जाए, और पावर नैप लेने के बाद बड़ा रिफ्रेशिंग फील हुआ, सारी सुस्ती उतर गई। अच्छा जी, हाईजैक हुई है ना बस अभी। टेररिस्ट सामग्री अच्छा लग रहा है। हौसला अफजाई के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। तो ये है डिपार्चर वाला एरिया, और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का सीन दिखाई देता है, व्यू दिखाई देता है। ए नंबर काउंटर इंडिगो का है, और सब जगह ट्राई कलर के बैलून्स उन्होंने लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन उन्होंने कर रखी है, लेकिन पिछली बार से कम है।
ये है फोटो पॉइंट। एयरलाइन स्टाफ या फिर एयरपोर्ट स्टाफ यहाँ पे आके फ़ोटो खींच सकता है अपनी, और पैसेंजर्स वगैरह भी आके यहाँ पे अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं। जैसे कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, विस्तारा वाले अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ निकाले जा रहे हैं यहाँ पे। हेलो, यह है विस्तारा का काउंटर, यह है सिक्योरिटी चेक, यहाँ से सिक्योरिटी चेक करके बोर्डिंग गेट पे जाते हैं लोग। तो लगभग 12:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और आवाज़ थोड़ी गूंजनी होगी इस वक्त, क्योंकि मैं लिफ्ट में हूँ इस वक्त, ठीक है। तो काम लगभग सब खत्म हो चुका है, आखिरी फाइल थी वो लेके आया हूँ मैं ऊपर, बाकी सारा हैंड ओवर मैं नेक्स्ट स्टाफ है हमारा सर उनको देके जाऊँगा। ये अराइवल एरिया, जैसे ही पैसेंजर यहाँ से आएगा ये सामने डेकोरेशन दिखेगी, प्रेरणा शिवोन सिंगल विमेन टाइटल इन बैडमिंटन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एंड शिवोन थर्ड टाइटल। हेलो हेलो कर दो भाई, ठीक है। और इन दोनों ने कम्बाइन हो, ठीक है। नहीं ठीक है, और ये दोनों जो लड़कियां हैं इन दोनों ने डबल्स में टाइटल जीता है विमेंस का, ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पैसेंजर जैसे यहाँ से आएगा उसको दिखेगा ये सुंदर से बैलून, हालांकि पिछली बार से कम खर्चा किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने, और यहाँ पे पिछली बारी बहुत बड़ी रंगोली बनी थी, इस बारी छोटी रंगोली है लेकिन बहुत प्यारी रंगोली बनाई है इन्होंने। ये देखिए बहुत अच्छी है, 15th of August चियाल विच इज़ चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्लॉगिंग हो रही है फ्रेंड्स, आ जाओ फ्रेंड्स, आप भी आ जाओ, सभी व्लॉगिंग कर लो, ठीक है। ओ रोनिन वाले भैया, पैसेंजर यहां से आके अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, लेकिन वो तब खिंचवाएंगे जब एयरलाइन वालों को फुर्सत मिले, एयरलाइन वालों को फुर्सत नहीं मिल रही है फ़ोटो खिंचवाने से। बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिस्कशन हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। कर लो यार, अच्छा बूमरैंग बन रहा था क्या तुम्हारा? चलो भाई बहुत बढ़िया, देखो गाइस मेरे पास, अरे रुक जा, स्लो मोशन एक मेरी सिंगल की बना दे, मैं जा रही हूँ। अच्छी है, बढ़िया। यहाँ पे पावर पफ गर्ल्स का न्यू एपिसोड शूट हो रहा है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 2:00, अब 2:00 मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। छुट्टी के टाइम पे एकदम से काम आ जाता है ना, वो वाले जो काम होते हैं वो बहुत टाइम खींच लेते हैं, तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। अभी घर जा रहा हूँ, घर जाकर फटाफट खाना वाना खाऊँगा, मम्मी ने बना रखा होगा क्योंकि मम्मी पापा आजकल आए हुए हैं घर पर, तो फटाफट चलते हैं फटाफट घर, खाना वाना खाएंगे मस्त मज़े से, होना सो जाएंगे। 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद मैंने देखा कि मेरा पूरा पैर सूज चुका था, तो फिर मैं फटाक से गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से फिर मैंने टेटनस का टीका लगवाया, और उसने मुझे बताया कि आपको रेबीज़ का टीका भी लगवाना पड़ेगा। तो आज 16 अगस्त, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है, परफॉर्मेंस तो हुआ ही नहीं, भी यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होने वाले थे वो सब कैंसिल हो गए थे। लगे पड़े हो सर। लगना पड़ता भाई। तो अगर मैं परफॉर्मेंस करता तो मेरा इकलौता परफॉर्मेंस होता, और हर बारी क्या होता था कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता था, जब भी फंक्शन स्टार्ट होता था यहाँ पे 15 अगस्त का या फिर 26 जनवरी का, तो रोड़ा पड़ जाता था कि चलो भाई चलो बाहर चलो जल्दी चलो, और फटाफट फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 8:30 का शेड्यूल था शो, और मैं 8:50 पे गया, उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैं बाहर गया तो लोगों से पूछा भी कौन कौन सी परफॉर्मेंस हुई, क्या क्या निकल गया। उन्होंने बोला कि अभी परेड होके हटी है, जस्ट अपना नेशनल एंथम गाया है, हटी है जो गार्ड ऑफ ऑनर होती है वो हुई है, तो योगा का परफॉर्मेंस हुआ था जो कि मैंने इस वीडियो में डाला भी है, और उसके बाद फिर हुआ था वो जो एंटी हाईजैकिंग वाला जो सीन था ना पूरा बस वाला, तो वो वाला सीन हुआ था सारा का सारा, ठीक है। वो बस कुछ नहीं हुआ, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करी और उन्होंने क्लोज कर दिया बिल्कुल। मैं देखता रह गया, मैं यार मेरा नाम लिया ही नहीं इन्होंने। फिर सर से बाद में बात हुई मेरी सीएसओ सर से, तो सीएसओ सर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, इस बारी बहुत छोटा रखा था, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1/2 घंटे या 1.5 घंटे का होगा, और उसी के अंदर उन्होंने सब कुछ निपटा दिया। तो इस बारी मेरे को ऐसा लगा कि शायद 15 अगस्त मनाया ही नहीं गया है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बारी में शायद हम करें कुछ,
और जो इस बारी मैंने प्रिपेयर किया था सॉन्ग या फिर डांस, वो मैं अगली बारी कर दूंगा, ठीक है। तो बस यार इतना सा ये व्लॉग था, और इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि पिछली जो वीडियो डाली थी मैंने वो एक MEG2 का रिव्यू डाला था, और इतनी गंदी रीच आई उस पर, मुश्किल से मुश्किल 25 व्यू आए उस पर, 25 व्यू, सिर्फ और सिर्फ 25 व्यू। भाई मेरा देख के इतना दिल टूट गया, और मैंने वीडियो ही हटा ली, क्योंकि ऐसी कोई भी वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियो मुझे अपनी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखनी है, ठीक है। तो मैंने हटा लिया, पर दुख हुआ काफ़ी, क्योंकि थोड़ा अलग ट्राई किया था उस वीडियो को मैंने बनाने का, और वो वीडियो किसी ने देखी नहीं, मुश्किल से मुश्किल 25 लोगों ने देखी है। मेरे व्हाट्सएप पे भी लगभग 150-200 के आसपास कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से भी पता नहीं किसने ने देखी किसने नहीं देखी, क्योंकि टोटली 25 व्यूज आ रखे थे उसके अंदर। तो यार बड़ा हार्ड ब्रेकिंग था, बट कोई बात नहीं, वीडियोस तो बनाते रहेंगे, कोई चक्कर नहीं है। बाकी आपको अगर अच्छी लगी वीडियोस और क्या क्या कमी है मेरी वीडियोस में आप बता दिया करो, ताकि मैं उसको थोड़ा ओवरकम कर लूँ। समझ रहे हो ना तुम बात, समझते रहो, ठीक है, ओके बाय।